नगर निगम में कोटद्वार के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मेयर हेमलता नेगी के द्वारा मालवीय उद्यान में झंडा फहराया गया। इस अवसर पर शहर के विद्यालयों द्वारा अपने अपने स्कूल से नगर में परेड निकालते हुए मालवीय उद्यान में पहुंचे और इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं के विषय पर आधारित झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर नगर निगम के द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही आसमान में हर्षोल्लास के साथ रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पूर्व कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित जनों एवं जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस आप सब लोग जानते हैं कि मूल्यांकन करने का है देश की प्रगति का, और इसीलिए आज के दिन संकल्प लिया जाता है राष्ट्र के निर्माण के लिए और उसकी एकता और अखंडता के लिए। यह अवसर हमको मिला है आज़ादी के बाद, जब बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादतें दी और देश को आज़ाद किया, और सन 1950 में जो है देश गणतंत्र हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस अवसर पर मैं विशेष रूप से याद करना चाहता हूं, कि उनका बनाया हुआ संविधान आज भी 74 साल के बाद भी प्रासंगिक है।